सुजीत भाई, आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, धारा 370 वहाँ पे हटा दी है, अब तो शांति है ना जम्मू कश्मीर में। 370 हटाकर जम्मू कश्मीर की बर्बादी का इन्होंने जो लेख है वो लिख दिया है। 370 या 35 से हटाने से ना तो हमें कोई फायदा हुआ है ना नुकसान की बात। बदलाव आए? बदलाव कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। आतंकवाद पहले भी था, आज भी है। अच्छा तो तब होता कि इसको हटाते और वहाँ से आतंकवाद को खत्म करते। लेकिन पत्थरबाजी तो कम हुई ना? पत्थरबाजी आज भी होती है, पत्थरबाजी ये खुद कराते हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। बीजेपी कभी श्रीनगर के अंदर कामयाब नहीं हुई है, कामयाबी के लिए वो वहाँ से अगर सीटें निकाल सके उसके लिए हर एक हथकंडा अपना रही है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले जो वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनके लिए जो ये गाइडलाइन जारी की है, हाँ, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाहर का रहने वाला है वो भी वोट देगा बीजेपी का, इसलिए है कि ताकि ये अपने जो वोटर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में भेज सकें और वहां से सीटें ले सकें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार और बीजेपी अगर ऐसा सोचती है कि हम बाहरी वोटर्स को भेजकर कश्मीर के अंदर अपनी सत्ता जमा सकते हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। ये हम इनको चेता देना चाहते हैं कि इस तरीके के हथकंडे जो हैं वो अपनाए नहीं जाएंगे। अभी शोला आना बाकी है, शोला बनकर हम दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश को जगाएंगे और हमारी आवाज़ सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, इस आवाज़ को हम वर्ल्ड लेवल तक लेके जाएंगे कि जिस मोदी का डंका पूरे विश्व में गोदी मीडिया बजा रही है उस मोदी के देश में आखिर हो क्या रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में 75 वर्ष की आज़ादी के बाद में, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, कागजी पन्ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन देश की जो जनता है वो बुरे हाल में है, भूखमंगी की हालत आ गई है, बिना खाए लोग जहाँ पे सो रहे हैं, देश की जनता का इतना बुरा हाल है, पढ़ा लिखा आप देख ही रहे हैं कि कितना नौजवान जहाँ पे बेरोजगार है। सिंह साहब, लेकिन जो 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया जम्मू कश्मीर में, धारा 370 हटा करके बड़े काम किया ना मोदी सरकार ने? हम तो इसको नहीं मानते, क्योंकि अगर 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसी नीति लाते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलता, जम्मू कश्मीर के लोगों के अच्छे दिन आते, तब हम मानते कि विकास हुआ है। जैसे जब आज़ादी के वक्त से जैसा चल रहा था आज भी चल रहा है, लेकिन एक चीज़ जरूर की है कि 75 साल हो गए आज़ादी के, बेरोजगार ऐसा नहीं था, जब आज़ाद हुए तो रोजगार था, ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर की नहीं थी। जो आज है जो अलगाववादी नेता है वो तो सेंटर में हो गए ना आजकल, उनके होने से क्या हुआ, अलगाववादी नेता आज भी पत्थरबाजी कम हो गई, कहाँ खत्म हुई है, जैसे वो काम है वहाँ पे जो होता है पत्थरबाजी करना वहाँ के नौजवानों की अपनी इच्छा नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, उन्हीं को चलाने के लिए नौजवानों के जो माइंड है उसको वॉश करके पत्थरबाजी चलाते हैं और कश्मीर के नाम पर देश के हर स्टेट में ये वोट मांगते हैं। कश्मीर एक मुद्दा इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है। सुरजीत सिंह, सुरजीत जी आप कहाँ से आए हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और हम बेरोजगारी को लेकर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए है कि ताकि देश की सरकार संसद में राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए और उस पर कानून बनाकर उसको पास कराए, ताकि जो हमारी राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो ड्राफ्ट हमने बनाया है उस पर ये संसद में चर्चा करें और उसके ऊपर चर्चा करने के बाद वहाँ से पास कराकर इसके ऊपर एक कानून बनाए ताकि देश के अंदर एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लागू की जाए। लेकिन पिछले कई वर्ष से लोग आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन सरकार तो टस्से मस नहीं हो रही है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर सरकार सुनती भी नहीं है, जब अगर देश का नौजवान अगर सड़कों पर आता है, जहाँ किसान सड़कों पर आता है अपने हक के लिए आता है, तो सरकार उनको देशद्रोह का टैग लगा देती है, डराती है, धमकाती है, इसे डराने का काम तो करती है। लेकिन हम देश की सरकार को, मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देश की सरकार जो है, जो देश के जो लोग हैं इनको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, ये डराने की कोशिश जरूर करेंगे, ना हम डरेंगे, ना इनसे डरा कर रुकेंगे, हम जो हमारा जो राइट है हम अपने राइट के लिए दिन रात अगर हमें लड़ना भी पड़े तो हम लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से देश के पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार रखा जा रहा है, उनके खिलाफ ये नीतियां बना रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर हो या कोई और हो, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं और जम्मू कश्मीर की अभी हम बात करेंगे कि वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भर्ती हुआ, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 40 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया,
वहाँ पे जिन बच्चों ने वहाँ पे अप्लाई किया उस भर्ती को जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भर्ती कैंसिल किया आपने तो बताइए जिन बच्चों ने वहाँ पे जिनका लास्ट साल चल रहा था वो फॉर्म अप्लाई किया था, आप दोबारा अगर वो अप्लाई करें वो कहाँ से करेंगे? जो ओवर एज हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कहाँ से रोजगार लाएंगे? फाइनेंस अभी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती थी, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी थी, उसको भी स्क्रैप कर दिया, उसमें भी घोटाला है। जो एक भर्ती 2020 में आती है 2022 आ गया, दो साल में पूरी नहीं होती है, अब उसमें जो घोटाला हुआ है अब ये कोर्ट केस में जाएगा, एक साल कोर्ट में घिसेगा केस, एक साल के बाद दोबारा जब ये हकीकत जमीनी स्तर पर आएगा उसके बाद फिर से घोटाला होगा, फिर जो होगा 10 साल एक भर्ती को लगा देंगे, तो जो ओवर एज बच्चे हो जाएंगे वो क्या करेंगे बेरोजगारी को? तो यही तो हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आप कहते हैं कि 370 और 35 से हटाकर हमने वहाँ पे अमन शांति का पैगाम दिया है, तो बताइए जब 370 और 35 से हटने के बाद वहाँ पे टीचर्स को स्कूल के अंदर मारा जाता है, वहाँ पे जो बाहरी राज्य से लेबर आते हैं उनको मारा जा रहा है, तो कहाँ की अमन और शांति है? कश्मीरी पंडित बसे वहाँ पे, कहाँ बसे हैं, मारे जा रहे हैं, बुरा हाल है उनका। लेकिन फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, काफी रुपया कमा लिया, बीजेपी के नेताओं ने प्रमोट किया था उस फिल्म को। यही तो दुर्भाग्य है कि एक फिल्म को पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स प्रमोट कर रहे हैं, ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो कश्मीर फाइल्स के अंदर तथ्य दिखाए गए हैं उसमें से 10% भी सही नहीं है, 90% तो जम्मू कश्मीर में हुए ही नहीं है, वो कश्मीर फाइल में दिखाए गए, कश्मीर की जो जमीनी हकीकत थी वो तो बताई नहीं। सर आप कश्मीर से आते हैं, हिंदू हैं बाकायदा, सनातनी ब्राह्मण लग रहे हैं मुझको, कितने लोगों ने वहाँ प्लॉट लिए हैं? दिल्ली हिंसा के लोग बड़ा चर्चा करते हैं कि हम प्लॉट लेंगे जम्मू कश्मीर में और वहाँ पर सर सुंदर लड़कियाँ लाएंगे, शादी करेंगे। तो सर प्लॉट लेके सुंदर लड़कियाँ तो पहले भी तो ला सकते थे, अगर इनको लड़कियाँ ही लाने के लिए अगर 370 हटाना था तो लड़कियाँ तो ऐसे भी ला सकते हैं। पहले कानून नहीं था ना, शादी नहीं कर सकते थे? शादी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर की बहुत सारी लड़कियों ने बाहरी राज्य में शादी की है और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बाहर के राज्य की लड़कियों से शादी की है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बीजेपी की अपनी नीति थी, इनका पॉलिटिकल एजेंडा था लोगों को भड़काना, इन्होंने 370 का नारा दिया, लोगों ने सोचा कि शायद इसके हटने से हमें कुछ फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं। आम लोगों को क्या जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया 370 हटने से? जैसा दिल्ली में आए आप, बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, उससे भी बदतर हो गया। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन पूरे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 370 35 हटाने के बाद में बीजेपी पूरा चुनाव जीतती जा रही है पूरे इस मैटर में। जम्मू कश्मीर में उनको 25 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, हम बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब भी अगला चुनाव आता है तो ये हम डंके की चोट पे कहते हैं कि बीजेपी 2 सीट भी नहीं निकाल पाएगी। वो तो कह रहे हैं हमने मजबूत कर दिया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मजबूत वो नहीं कर सकते। तो बीजेपी मजबूत हुई है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो 25 MLA जीते थे वो 2 सीट भी नहीं बचा पाएंगे, अपनी 2 सीट भी नहीं जीत पाएंगे अगले चुनाव में। अच्छा आप दिल्ली में आए हैं, क्या लग रहा है कुछ आपको कुछ मिलेगा, कुछ आपकी मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये तो शुरुआत है, ये तो एक चिंगारी है, अभी शोला आना बाकी है, शोला बनकर हम दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश को जगाएंगे और हमारी आवाज़ सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, इस आवाज़ को हम वर्ल्ड लेवल तक लेके जाएंगे कि जिस मोदी का डंका पूरे विश्व में गोदी मीडिया बजा रही है उस मोदी के देश में आखिर हो क्या रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में 75 वर्ष की आज़ादी के बाद में, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, कागजी पन्ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन देश की जो जनता है वो बुरे हाल में है, भूखमंगी की हालत आ गई है, बिना खाए लोग जहाँ पे सो रहे हैं, देश की जनता का इतना बुरा हाल है, पढ़ा लिखा आप देख ही रहे हैं कि कितना नौजवान जहाँ पे बेरोजगार है। लेकिन हिंदू मजबूत किया जा रहे हैं, धर्म मजबूत हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डिवाइड करके अपनी पॉलिटिकल राजनीति जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं है।